आप आते हैं बड़े परिवार से, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, यहाँ कार्यकर्ता एक साल सरकार बने हो गई, आपने इतनी जितनी भी व्यवस्थाएं थी अब तक सपा बसपा के कार्यकर्ता और तमाम लोग होते तो अब तक यहाँ नहीं बल्कि लखनऊ पहुँच गए, लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि लोग कार्यकर्ता यहाँ तक नहीं आना चाहते, आप आते हैं आपके स्वागत में भी नहीं जाना चाहते। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आखिर कार्यकर्ता कैसे चले, जैसे ही हुए आप जल्दी से व्यवस्था बना दी, सारे विभागों में सपा और बसपा के लोग, प्रदेश की व्यवस्था है हमारे नेतृत्व में बनाई है, नगर व्यवस्था खाली, आप उस बैठक में रह के अवगत तो कराएंगे माननीय मंत्री भाई? तो मैं अवगत कराऊंगा, आप कह रहे हो मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, मैं कुछ लिख के दूंगा नहीं, तो जो जवानी बोल रहे हो जवानी में अवगत करा देंगे। हम क्या लिख के देंगे, लिख के सब आप जान रहे हैं। राम जानकी मार गए, ये कुछ तरीका, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, अभी व्यवस्था बदलेगी तो दूसरा प्रभारी मंत्री भी आएगा, हम दूसरे जिले में जाएंगे, हो सकता है अच्छी व्यवस्था हो जाए, लेकिन ये नहीं, नहीं ये बात ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, हमको तर्क सहित बात बताइए जो मैं तर्क सहित वहाँ कह चुप सकूँ, पर कोई भी लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान नहीं है कि यहीं से हम कह दें आदेश दे दें हो जाए, हमको भी जाके वहाँ समझाना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा, ये बात है ये है वो आप कोई बताने को दिया था, यहाँ तक कि आपको प्रमाणित छाया प्रति उसकी दिया था, जो टीसी थी जिस पर उन्होंने लिख दिया था कालातीत गरीब व्यक्ति का लड़का नवोदय में पास हुआ, उसकी उसके नाते नवोदय से वापसी हो गई, अब उसकी भी फोटोकॉपी कहिए तो उस लड़के की लाके दी। हाँ दे दीजिए, अब उसको दिया था टीसी आपको, हमें दीजिए, और बीएसएफ कार्रवाई रही हमें दीजिए, इतने तो उसको सस्पेंड हो जाए, कार्रवाई होगी वहाँ, एक तरीका भैया बीएसएफ में कार्रवाई होगी, मैंने लिख के दे दिया है, जब वो ट्रांसफर होंगे सब तब होगा, एक एक नहीं होगा, एक एक पड़वा नहीं है। राम जानकी मार के लिए सबसे खराब सड़क है, बड़ी दिक्कत है, बोले कितना निकाले गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा मुक्त के नाम पर दो बार से दो जिस दिन मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी उस दिन ये बात आपके सामने इन्होंने कहा तो उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो बनने वाला है, आप सुनो पहले ही साहब उसको बनने की क्या जरूरत है, वो बनने वाला है, उसके बाद दो बार कितना निकाले कहाँ कहाँ ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बस स्टेशन के लिए मैंने बात कर ली है, वो प्रक्रिया में स्वीकृत हो रहा है, बस स्टेशन बनेगा और एक सांसद हमारे यहाँ आप मंत्री के पद पर बस स्टेशन बनेगा, मेरी बात हो गई है परिवहन मंत्री से, उन्होंने परिवहन आयुक्त को भेजा था, वो सर्वे करके चले गए हैं, वो प्रक्रिया में है, बस स्टेशन बनेगा। मंत्री जी हमारे वहाँ एक जमीन है।